नेता ईमानदार अभी तक इंडिया में आया ही नहीं है ना, आएगा भी नहीं। क्या बात कर, 1000 चोर है, 1000 चोर एक तरफ, मोदी एक तरफ, हर तरफ आए। कांग्रेस वालों ने देश लूटा, खूब लूटा, पब्लिक को खूब लूटा, लेकिन बंदे की कमर नहीं टूटने दी। बंदे भी खुश रहे, बंदे भी खुश रहे और खूब कमाया और खाया, और इनने 10 साल में कमर तोड़। ये जो है श्री मोदी जी के कोई गलत नहीं है, जितना कांग्रेसिया है वो इसका मैं घुस करके इनको नाम खराब कर रहा। बोलिए भैया, सत्य बात है, एकदम सत पर है। सुनिए तो, मैं बता रहा हूँ ना, जातिवाद कहाँ है। सरकार किसी का भी हो, ये सोच रहे हैं ना कि हमारी यही जात है ना, तो हम उसी को देंगे, चाहे वो जीते चाहे हारे। मेरा कहना ये, वो सरकार किसी का भी हो, वोट किसी को भी दीजिए, काम पे बात होना चाहिए। सही बात है, ये होना चाहिए, जातिवाद होना नहीं चाहिए कि वो चमार हुए तो भंगी हुए तो डोम हुए तो सियार हुए, ये सब बकवास नहीं होके चाहिए। ठीक ना, हम एक इंसान हैं, आप मेरी इंसानियत के समझिए, आप मजबूरी के समझिए, यही होना चाहिए। आप कोई डायरेक्ट थोड़ी मोदी जी को कोई गाली दे देगा, उठा के डाल देंगे जेल पे। वोट देना चाहिए काम पर, हम ये वोट दिया जा रहा है इस पे कि आप जो है हिंदू जाके। अब देखिए एक चीज़ और भी है, ये इसमें मोदी जी का भी चांस मुझे लगता है ना 75% की ये जीत सकते हैं। अच्छा, इसका रीजन बता रहा हूँ। 75% इसकी रीजन जानते क्या है? 50 लोग खड़े हुए हैं लड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी का भी पार्टी अगर थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा हुई वो जीत जाएगा तुरंत, इस तरह की माहौल है। गठबंधन वाले का कोई माहौल नहीं है, वो नहीं लगता है हमको देखने में। अच्छा, हाँ मुझे यही लगता है कि जिसकी पार्टी थोड़ी सी भी अगर 20 हुई तो पक्का है को मार देगा। मोदी जी का जो 75% आप लेके गए उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? वो जो नहीं देखिए, क्योंकि सरकार उनकी है, हर पावर चीज उनके पास में है, वो जो जैसे चुनेगी तो मैं घर के सदस्य मालिक मैं हूँ, तो उसका मेरा जो लड़का होगा मेरे इजाजत के बिना, उसका बाप जो है अगर समझदार है तो मेरे भी अगर इजाजत के बिना ना उसकी आत्मा तक भी नहीं जाएगी कहीं घूमने के लिए। ऐसा है, हाँ ऐसा होना चाहिए। किसी का विरोध मत करो, सच्चाई पे बोलो और सच्चाई की तरह से काम होना चाहिए। तो मोदी जी जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है। एक बात बताइए, चंद्रयान में पता है आपको, आप भी नहीं अंदाज लगा पाएंगे, बेशक में माइक पकड़े हुए थे क्या हो गया, और हम भी नहीं लगा पाएंगे कितने पैसे लगे गए होंगे चंद्रयान में पहुंचने के लिए, कितने करोड़ रुपए गरीबों में डाल दिया जाए, जिएगा कि नहीं कोई जिएगा। अलग चीज हुई ना चंद्रयान पे, एक सफलता है, देखिए आ गए, भारत का नाम हुआ नहीं हुआ? अरे भैया भारत का नाम हुआ, नाम हुआ नहीं, थोड़ा रोजगार पे भी बात कर, रोजगार पे तो रोजगार यहाँ तो जी एक बाप है 10 गो बेटा है, तो बाप के बाद इस जवानी में अभी हम साइकिल से चल रहे हैं, इस जवानी में ना हम साइकिल से चल रहे हैं। सुन लो, भैया इस जवानी में हम साइकिल से चल रहे हैं, एक मिनट इस जवानी में इनकी चाचा की बात कर रहा हूँ, हमारे सब परिवार लोग घर के लोग हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं, सबकी बात रखने की इजाजत है, ठीक है। इस जवानी में 32 साल की उम्र है हमारी, साइकिल से चल रहा हूँ, हमें शौक है क्या 15 किलोमीटर एक साइड से 15 किलोमीटर एक साइड से, किसी का शौक नहीं होता है, हमारी भी शौक है कि मैं गाड़ी से चलूँ, हवाई जहाज से चलूँ, बढ़िया से रहूँ, बढ़िया चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठा। बताइए एक बात बताइए, चाहे वो कितनी भी शिक्षित हो, ये चाचा को ले लीजिए, झोला देखिए इनका, ठीक है 55 की उम्र होगी, अब बताइए अब इसके बाद ये क्या लाइफ में कर सकते हैं? वो तो खुश हैं। हाँ तो खुश हैं तो अब अच्छा बात है। दिन आ गए क्यों चाचा? हमको तो बड़ा ही मोदी जी का देख के बहुत खुश है। देखो जो कि नॉन रोटी खाने के लिए समय हुआ कांग्रेस के राज में असम मकान बन गया, लेटरिंग करने के जाते कि किसान के खेत में माँ बहन के गरियाते के, एक तो सुविधा किया। आ ये जो है श्री मोदी जी के कोई गलत नहीं है, जितना कांग्रेसिया है वो इसका मैं घुस करके इनको नाम खराब कर रहा। बोलिए भैया, एकदम सत पर है। आज इंदिरा गांधी बड़का नाम बना हुआ, मगर घर कैसे उनका बनाया इस उनका,
और उसका पर क्या बनाया, नहीं सीमेंट का पता है ना छड़ के पता है। आज मोदी जी के राज में सीमेंट भी है और लेटरिंग भी करने की भी जगह है। अब बताइए, आप पहले नहीं था। एक बात बताऊं चाचा, एक बात बताऊं आपके लिए, मेरी और आपकी उम्र सेम है। कांग्रेस ने पूरा देश लूटा, लेकिन सुनो मेरी बात, लेकिन बंदे की कमर नहीं छूटने दी और इनने 10 साल में कमर तोड़ दी। क्या खराब हुआ बताओ तो, क्या खराब हुआ? मैं टेबुल पर तू कहता कि राजा हूँ, तू टेबुल पर मेरा पर बैठेगा। सबकी झूठी है, और दुख सुख तो सब में आए हैं। इधर बताओ, अच्छे काम लगे आपको? अच्छे काम बताओ। कांग्रेस से बढ़िया अभी मोदी जी के राज है, जो कि आज चोर। मोदी जी के राज में महंगाई की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रही महंगाई? महंगाई कौन कर रहा? कौन कर रहा? जनता कर रहा, जनते करवा रहा। अब वो जा लाख दो लाख दो लाख के करोड़ के आपको ठीका दे दिया और 1 लाख खर्च कर दिया, 1 लाख जेब में रख लिया। एक कांग्रेस सरकार की भाई साहब, एक बात बताऊं मैं, कुछ भी सही। कांग्रेस वालों ने देश लूटा, खूब लूटा, पब्लिक को खूब लूटा, लेकिन बंदे की कमर नहीं छूटने दी। बंदे भी खुश रहे, बंदे भी खुश रहे और खूब कमाया और खाया। सर, एक लेकिन आज जो रोजगार की समस्या है, जो आज रोजगार की समस्या है, कांग्रेस के टाइम में सुबह 9 बजे कंपनियों में घुसते थे, लेकिन निकलने का टाइम नहीं होता था, काम होता था। और आज बेंचो दिन छपते ही घर पहुंच जाओ, खाली है सर, कमाई भी नहीं है। ये कह रहा है ना कि कांग्रेस के समय हमने खूब कमाया, तो कमाया तो उसके बाद किया क्या? हुआ क्या पैसा? पैसा क्या हुआ? पैसा क्या किए? आज रोड पे क्यों? काम जिंदगी चल रही है, आगे बढ़ रही है। गजब आदमी, हमने खूब कमाया तो हमारा दिमाग तो होना चाहिए, हम कुछ और एक्स्ट्रा काम कर ले जो हमारे भविष्य में हो, बच्चों को बना ले, अपने बना ले, तो हम रोड पे खड़े हो जाएंगे। कहाँ रोड पे काम करके आ रहे हैं? तो काम कल भी काम आज भी कर रहे हैं, कल भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। महंगाई दिक्कत का कमर टूट गई महंगाई सर, दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत ये है कि हम काम कर रहे हैं 400 का, मान लो हम हेल्परी कर रहे हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए? इंजीनियर के बराबर नहीं, प्रोफेसर के बराबर कि एक वकील के बराबर? वो तो आप देखो जैसा काम होगा उसको। हमारे देखो, हमारी जो लेवल है खूब आराम से बंदा कमा रहा, जिसकी जो कैपेसिटी है खूब आराम से कमा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं करने वाले के लिए तो दिक्कतें है। और जो पढ़े लिखे खाली घूम रहे हैं उनका क्या? कौन पढ़े लिखे घूम रहा है? बेरोजगार जो अपने आप ये बताइए, रोजगार किसको मानते हैं? खाली एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी वो रोजगार है, और कोई काम नहीं है तो मिलनी चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से रोजगार किसको मानते हो? नहीं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो ले तो रहे। अभी जे 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 का निकला है, पीसीएस का निकला है, बच्चे हुए नहीं? तमाम ऐसी खाली ये बताइए, पूरे 2019 की भर्ती? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बता देना। उत्तर प्रदेश में एक स्टेट में प्रति वर्ष कितने पीसीएस के क्वालिफाई लड़के होते हैं, कितने लिए जाते हैं, उसकी कितनी मतलब क्वांटिटी है कि इतने ही बच्चे हमें लिए जाएंगे? आईएएस में कितने लिए जाते हैं पूरे भारत में? बड़ी चीज तो उसी हिसाब से लिया जाएगा ना। ये जो समस्या खड़ी है कोई एक दिन में तो पैदा हुआ नहीं, 5 साल में तो पैदा हुआ नहीं, पॉपुलेशन तो हमारा हमेशा से था। आपको लगता है कि जो मोदी जी ने वादा किया था, सुनिए तो अभी एक मिनट, बोलिए सर, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, तो क्या वो हुआ है पूरा? ऐसा है, बेरोजगारी तो है लेकिन कोई हमारे भारत में ही नहीं है, पूरी विश्व में ही वैश्विक महामारी है। महंगाई ले लो, क्या जी हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम जो हमारी गति थी धीमी थी उसमें तेजी आई है, हम हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। किस चीज में तेजी? हर चीज में बढ़ रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? खुशहाली का स्तर पता है आपको? हाँ, देश की खुशहाली का। एक जीवन को, एक आदमी के जीवन जीने के लिए ये बताइए प्राथमिकता में क्या चीज हो, गवर्नमेंट की तरफ से सरकार से हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? अच्छा, देश के लोग खुश हैं उसे वो कैसे पता चलता है? हैप्पी इंडेक्स जो होता है, खुशहाली का जो पैमाना होता है, उसी से तो पता चलता है बिल्कुल कि हमारा देश खुश है। बिल्कुल, उसका उस अमन पहला काम तो जो है हमें चयन होना चाहिए। जो भी हम अपना नमक रोटी कमा रहे हैं
खुशहाल से खाए हैं, आराम से चैन से सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। कल क्या था कि अगर हम 10 रुपया घर में रखे हैं उसकी गारंटी नहीं थी कि वो 10 रुपया मेरा सेफ है कि नहीं है। अच्छा, नहीं था। अभी हम 12 घंटे काम करके जाते थे, महीने दिन कमाते थे, यही रोड है, यही लूट हो जाता था। पूरे महीने भर की कमाई 1 घंटे में गायब हो जाती थी। सुरक्षा बड़ी है ना, तो 7 तारीख 10 तारीख आने के बाद हाँ उनका पैसा लूट लिया। आज इतना सुविधा हो गया, जो 5 साल हो गए हम लोग बैंक भी नहीं जाते हैं, सब काम घर से हो जाता है। चक्कू मार देते थे यही क्यों मर्डर हुए हैं पर कह भी, और अब जब ये बीजेपी सरकार आई है कोई भी कांड नहीं हो रहा। 15 साल से काम कर रहा हूँ कंटिन्यू, 15 साल हो गया मेरे भी यहीं पे, और 10 साल पहले 5 साल पहले क्या स्थिति 10 साल थी और आज क्या है खूब महसूस कर रहा हूँ, अच्छी से महसूस कर रहा। कंपनियों की बात कर रहे हैं, कंपनी में इतनी ठेकेदारी प्रथा थी, आपकी सैलरी अब भी तो कहते हैं ठेकेदारी प्रथा है लोगों तो है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि पूरा साफ हो गया है, ठीक है। क्या है कि आपकी सैलरी मान लो उस समय 7,000 लगी, मिलता कितना था आपको? 6,000 मिलता था। क्यों ऐसा क्यों? 5,500, क्योंकि आपकी दिहाड़ी वो ठेकेदार खड़ा कर दिया, वो वाउचर लेता था कंपनी से, जो मान लीजिए इस समय हमें 400 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, तो वो क्या करता था, तुम्हें 350 दिया, 50 रुपये उसके खाते में जाते, उसको मिलता था। मेहनत हम करते थे, आज क्या है हमने 10 रुपये का काम किया तो 10 रुपया हमें ही मिलेगा, ये तो है। तो वो कटता क्यों था, क्या मतलब ऐसा? कटता क्या, वो कहता था कि हम आदमी ले आगे, हम खड़े किए, ये हमारा आदमी है, उसके एवज में वो पैसा लेता था, बस इतनी ही बात थी। और पर अभी मजदूरों के लिए इस सरकार में क्या बेहतर सुविधाएं हुई है, क्या अच्छे काम? देखिए कोई भी ट्रांसपेरेंसी है, लीगल काम हो रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल क्लियर हो गया है, कुछ जगह है, कुछ डिपार्टमेंट में अभी है जो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन 100 में समझिए 70-80% में सुधार हुआ है। ये तो पब्लिक को मानना पड़ेगा, चाहे दिखाई दे रहा है तो देख सकता है, नहीं दिखाई देखने वाले को कुछ भी नहीं है। नहीं तो इसी महंगाई के मुद्दे पे सरकार को घेर, महंगाई तो है हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरी विश्व इसे झेल रही है, ठीक है। अब बताइए सरकार देखेगी ना, अब गरीब बताओ कैसे जिएगा? ऐसे नेता ईमानदार अभी तक इंडिया में आया ही नहीं है ना, आएगा भी नहीं। क्या बात कर, 1,000 चोर है, 1,000 चोर एक तरफ, मोदी एक तरफ, हर तरफ, आया ही नहीं अभी तक इतना ईमानदार नेता ना, आया ही नहीं। अब मानिए ना अटल जी से भी ज्यादा, अटल जी ईमानदार नहीं, अटल जी का सरकार ज्यादा चला नहीं ना, अटल जी का सरकार 5-6 महीना चला, कहाँ चला? जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे ऐसा नहीं था, चाहे मनमोहन सिंह, उनकी काबिलियत में हम ये नहीं लगा देंगे, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी को एक मूर्ति बना के खड़ा कर दिया जाएगा, हैंडल कहीं और तो हो रहा है, वो अच्छे बुरे पे बोल नहीं पाते थे कि हम अच्छा कर रहे हैं।